नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों के सफ़र को लेकर, खास करके एसी के ट्रेनों को सफ़र को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि इसका जो किराया है वो सस्ता हुआ है। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के नियमों में बदलाव करता रहा है, जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर जो है रेलवे ने अपने कई नियम में बदलाव किया है, जिसका लाभ हम सभी को मिला है। कोरोना काल के बाद ही अगर हम देख लें तो कई ट्रेनों के बदलाव किए गए, कईयों की स्थितियों में सुधार किया गया, पटरियों में भी बदलाव हो रहा है, साथ ही साथ ट्रेनों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में रेलवे ने जो है अब अपने किराए में भी बदलाव की बात कही है, खास करके थर्ड एसी का जो किराया है उसमें बदलाव की बात कही है। थर्ड एसी में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। इसमें सफ़र करने वाले यात्रियों को कम किराए लगेंगे। यह सुविधा उन्हें थर्ड एसी इकोनॉमिक्स कोच में मिलने वाला है। पूर्व मध्य रेलवे में फिलहाल थर्ड एसी इकोनॉमिक श्रेणी के लिए 22 कोच मिले हैं। इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। इसे अधिक मांग वाली ट्रेनों में लगाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 110 रुपये कम लगेंगे। ये जो है अभी शुरुआती जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर थर्ड एसी में अगर किराए में कमी आएगी तो वो जो है 110 रुपये कम लगने को लेकर जो है बताया जा रहा है। इन ट्रेनों की लिस्ट जो है बहुत ही जल्द जारी की जाएगी। अभी जो है उन ट्रेनों के बारे में नहीं बताया गया है जिसमें कि ये कोच को लगाया जाएगा। इसमें सफ़र करने वाले यात्रियों को वर्तमान थर्ड एसी के किराए से 9% कम भाड़ा लगेगा। पटना से दिल्ली का सफ़र करने अगर आप चाहते हैं या फिर आते जाते हैं तो लगभग उसमें 110 रुपये की कमी आपको देखने को मिलेगी। एसी कोच के 11 सीटें अधिक रहेंगी और भाड़ा भी कम होने की बात कही गई है। तो अब तक जो है 72 सीटें जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में होती है, यानी कि एसी कोच में कह लें, अगर हम थर्ड एसी की बात कर लें तो उसमें 72 सीटें होती हैं और अब जो है उसमें 11 सीटें और जोड़ने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उसमें जो है किराया 9% कम होगा, यानी कि एक मोटा मोटी जो स्थिति बताई जा रही है कि 110 रुपया थर्ड एसी का किराया जो है वो कम हो सकता है। इन कोच को ट्रायल के रूप में लगाया जा रहा है। कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, फोल्डेबल टेबल आदि सुविधाएं रहेगी। नए कोच में वर्तमान एसी कोच से 11 सीटें अधिक होंगी। थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच का किराया स्लीपर कोच में लगने वाले पटना से दिल्ली के किराए का लगभग दोनों ही ट्रेनों में थर्ड एसी का किराया जो है 1350 रुपये के आसपास है। नए इकोनॉमिक्स कोच में लगभग जो है 1240 रुपये के आसपास आपको जो है किराया देना पड़ सकता है। थर्ड एसी इकोनॉमिक्स कोच की सुविधा शीघ्र ही पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि इसका जो है इकोनॉमिक्स कोच की सुविधा बहुत ही जल्द बहाल हो सकती है। 22 कोच मिले हैं, यानी कि जो नया कोच जो मिला है उसमें एसी का, उसमें जो है 22 कोच मिले हैं। अधिक मांग वाली जितनी भी ट्रेनें होंगी उसमें जो है इसको, इन कोचों को लगाया जाएगा। ट्रेनों की लिस्ट शीघ्र जारी होनी है। इसको लेकर यात्रियों के किराए को लेकर जो है एक राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि एसी क्लास में यात्रा करना अमूमन जो है आम लोग जो है वो उसके किराए को देखकर ही जो है उसमें सफ़र नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे में अब रेलवे ने जो है एक बड़ी सुविधा बहाल की, जिसमें 22 नए कोच होंगे और उसमें जो है सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और कोच की जो पैसे जो लगने की बात कही जा रही है उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी। रेलवे इन दिनों अपने पटरियों पर काम कर रहा है, खास करके ट्रेनों की रफ्तार को लेकर रफ्तार जो है बढ़ाने की बात कही जा रही है। खास करके अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात कर लें तो उसमें जो है जबरदस्त तरीके से रेलवे जो है इन दिनों काम कर रहा है और उसे जो है भारत का जो है मिनी बुलेट ट्रेन के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन की अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें तो उसमें जो आखिरी फेज में जो उसका ट्रायल चला है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वंदे भारत ट्रेन चली है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि देश के लगभग राज्यों से जो है बुलेट ट्रेनें, यानी कि मिनी बुलेट ट्रेन, जिसे कि हम भारत का स्वदेशी बुलेट ट्रेन के रूप में देख रहे हैं, सेमी स्पीड की ट्रेनें इसको उस नाम से भी जाना जा रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश में जो है ये सेमी बुलेट ट्रेन जो है वो चले, भारत की बुलेट ट्रेन जो है चले और लोगों के आने जाने के समय में जो है कमी देखने को मिले। और इसी तरह से अगर हम दूसरी स्थिति देख लें इधर, तो रेलवे ने जो है एसी कोच की संख्या बढ़ाई है और पैसे के भी जो है उसमें 9% की कमी की बात कही जा रही है। मोटा मोटी अगर हम देख लें तो 110 रुपये की कमी हमें जो है एसी कोच में देखने को मिलने वाली है। तो ये थी रेलवे से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।